में नाचे गावे जब तो हारा के पावे। वो तो अभी सरप्राइज है, आपको तो देख सकते हैं अभी नगांती जी डांस करेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल बीजे विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले ब्लॉग डाले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखिए फुल वॉच करके। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों शाम हो गया, कुहासा अभी से आना शुरू हो गया है, घर आंगन साफ सफाई कर लिए हम लोग, अभी चल रहे हैं खाना बनाने। खाने में क्या क्या बनेगा वो भी दिखेगा आपको, देख सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, नगांती जी बर्तन धुल रही हैं। सब्जी में गोभी रखा है। ए नगांती जी, ये पपीता क्या करेंगी, ऐसी खाएंगी क्या? कल इसका वो बनाएंगे चटपटा, भुजरी भुजरी काट के ना नमक और हरी मिर्च डाल के खूब अच्छा लगता है। देख सकते हैं सुबह का थोड़ा सा चावल बचा है और रोटी भी है, थोड़ा सा सब्जी बना लेंगे क्योंकि सब्जी ख़त्म हो चुका है, फिर खा लेंगे ठंड में। इधर बच्चे पढ़ने की तैयारी करना शुरू कर दिए, बैठ के पढ़ो आप लोग जब तक हम लोग खाना बना रहे हैं। अभी देख सकते हैं सबसे छोटा छोटा जो आलू निकलता है ना और टेस्टी बनता है, तो इसको ले लिए हैं। अभी चलिए इसको धुल लेता हूँ, थोड़ा गोभी भी डालेंगे, टमाटर, इसका सब्जी बनाएंगे आज। देख सकते हैं अभी तीन चार पानी से धुल दिया हूँ आलू, क्योंकि नया वाला आलू है ना तो थोड़ा किने किने इसमें सटता है, और सबसे छोटा वाला आलू कोई नहीं लेता है, हम लोग ले आते हैं, ये सबसे टेस्टी बनता है। कभी आप लोग भी खरीद के लिया के, थोड़ा मेहनत लगेगा बनाने में लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगता है छोटा आलू। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ और उसके बाद बनाएंगे। देख सकते हैं इधर टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और इधर सब्जी कट चुका है, और इसको भी डालेंगे दोस्तों क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना, थोड़ा सोयाबीन भी खाएंगे बच्चे तो सही रहेगा शरीर में। इधर देख सकते हैं अभी ले आई रोटी बनाने के लिए, आटा सानने की नहीं करते, चलिए आप आटा सानी जब तक मैं रोटी पका देता हूँ, सब्जी बना देता हूँ, बना के रोटी पर आटा सानता, कोई नहीं मैं सब्जी बना देता हूँ जब तक आप आटा सानी। और ठंड में ना चावल कम दीजिए बच्चे को, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे लग रहा है कि 6-7-5 घंटा का तो दिन हो रहा है, सुबह 10 बजे तक कुहासा और शाम को 4:30 बजे कुहासा पूरा अंधेरा। देख सकते हैं प्याज हरी मिर्च भूजना शुरू कर दिया और लाइट बिल्कुल कट गया दोस्तों, देख सकते अंधेरे में बचे, मोबाइल का टॉर्च जला लो, ऐसा दीजिए अंधेरे में आता शांति, मिर्च भूजा गया, प्याज भूज लेता हूँ। तो देख सकते हैं अभी भूज भूज के कैसे लाइट कट गया है ना, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, मोबाइल का टॉर्च बार बार जला के और कैमरा भी कर रहा हूँ, और नमक भी डाल दिया, चलिए इसे थोड़ा मसाला डाल के पानी डाल दें। आप देख सकते हैं लाइट कटने के बाद कुछ कुछ हुआ अनहार इधर घर में भी, इधर देखिए टॉर्च जला के कैसे सब्जी तो टेस्टी महकने लगा जी, ना सही। अगर बच्चे क्या करे, लाइट कट गया तो पढ़ नहीं रहे। अभी चल रहा हूँ ना मैं, थोड़ा नकांती जी का कपार दर्द कर रहा है, हिमगम कौन सी तेल चाहिए जी? बाल धो ना तेल नहीं रहते, सर दर्द कम लगता है, सुबह बाल धो लिया का शैंपू से ना बाल धो। तो कौन सी तेल लेके आऊँ? कौन सा तेल ले लूँ तो बताइए, बाप रे 12 रुपया का शैंपू का कमाल थोड़ा देखो, बाल ना बाल 6 रुपये का एक मिलता है शैंपू, मेडिकल शैंपू होता है जो रूसी रहती है ना बाल में, अच्छा उसके वजह से लगाई, अभी तक नहीं लगाई तो रूसी हो गया था क्या? हाँ, इसी वजह से मेडिकल, अच्छा देखा के नहीं थी। काजल को मम्मी बताई थी यही शैम्पू से बाल धो देना, काजल को मम्मी सब कुछ जानती है, इसी वजह से कल लेके आई थी 6 रुपये का एक पीस मिला था, 2 पीस लेके आई थी, तो मतलब एक लगा के पूरा आधा रखी हूँ उसमें से, तो उसको संभाल कर रखिएगा आप ही,
ऐसे में तो हम लोग भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ही लगाइए रूसी आपकी के बाल में। तो कौन सी तेल लेकर अभी बताइए कौन सी तेल? अच्छा जिसके सर में रूसी रहता है उसका मन कभी खुश नहीं रहता, किस्मत है दुखी दुखी। चलिए किसी का पूरा जिंदगी दुखे में कटना लिखा होता है मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि हम लोग का तो अभी से इतना बड़े हो गए ना और बहुत मेहनत भी की लेकिन खुश कभी अंदर से नहीं हुए जो खुशी होती है। चलिए आगे देखते हैं कब खुशी मिलती है। कौन सी तेल लग बताइए आंवला का? अच्छा बजाज का। चलिए अब सब्जी बन गया लाइट आता है तब रोटी पकाइएगा नहीं तो जल जाएगा रोटी, बच्चे अच्छे से खाएंगे नहीं। आप तो अंधेरे में भी आकाश बाबू याद कर रहे हैं मन मन, क्या याद कर रहे हो? गाने की स्पेलिंग एन बी आई एन के। उसका क्या? सिंगर। अच्छा सिंगर माने गाना, सिंगर माने गायकार। इधर लिया दे हिंगम के तेल, ठंडी में लगाएंगी ना गांधी जी। आज मोबाइल का टॉर्च जला के आ जाओ इधर, आ जाओ किचन में आ जाओ, इधर उजियाला उधर अंधेरा। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्या क्या खरीद के लाने वाला हूँ वो तो अभी सरप्राइज है, वो आपको पता चलेगा मार्केट में। आप लोगों को तो पता चल जाएगा लेकिन नगांती जी को कुछ देर के बाद पता चलेगा। ये देखिए हंसने लगी, मेरे लिए सरप्राइज लाने। तो चलिए देखता हूँ, आपके लिए भी ले आऊँगा। तो चलिए अभी मिथुन का कॉल आया था, थोड़ा मेरे घर पर जाके घुमाइए तो वहाँ भी घूम लूँगा और सरप्राइज गिफ्ट भी लेके आऊँगा। नगांती जी बकुला, ये देखिए यहाँ से आवाज़ सुना दे दिया, काका उड़ गया। अभी नगांती जी ना उस दिन से खादर छीटी है जब से वो वाला खेत में गए नहीं है। चलिए घूम के आते हैं। हाँ, तो फिर चलेंगे दोनों, अभी चलिए देखें, चलिए जल्दी घूम के आते हैं उसके बाद चलते हैं। तो बाप रे नगांती जी शॉर्ट वीडियो बना रही है, फ्लाइट मोड में पिया रहती है मोबाइल को, अपने मन हो गया होगा जी। टॉर्च मोबाइल है ना, अपने आप दबा जाता है। आइए देखिए साहब, चलिए चलते हैं, अभी चढ़े दोस्तों हरा भरा आपको खेत दिखाते हैं अपना, बंद कर दिया हूँ और उसके बाद चलेंगे शॉपिंग करने। तो अभी देख सकते हैं पंप से जोर शोर से चल रहा है उस दिन से। अरे जल्दी जल्दी आइए, ये देख सकते हैं अभी सरसों का खेत कितना छोटा छोटा आप लोगों को वीडियो द्वारा दिखाया था, अभी देख सकते हैं कितना सुंदर हुआ है दोस्तों। नगांती जी थोड़ा एक बार शॉर्ट वीडियो बनाइए ना सरसों के खेत में। बाप रे नगांती जी ये कितना, ये कौन सी तोड़ा है ना ये? हाँ दोस्तों अभी मैं सॉन्ग गाऊंगा और नगांती जी डांस करेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी ये सरसों का खेत आ गया, चलिए इधर फेस इधर करिए, कोई नहीं देख रहा है, पूरा हमारा यूट्यूब फैमिली के अलावा और कोई नहीं देख रहा है। तो चलिए मैं सॉन्ग शुरू करता हूँ। दिल झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे रानी तोहरा संगवा हो। डांस थोड़ा करिए, हम हई रानी तोहरे अढ़ौल के फूलावा, आ हौ तू हमार फूल गेनावा हो। गांधी जी ना डांस नहीं सीखिए, धीरे धीरे आप देख सकते कितना सरसों का फूल। आप लोग कल कह रहे थे ना कुछ अच्छे अच्छे चीज दिखाई हरा भरा जो मन को एकदम हरा हरा कर दे, तो इससे हरा हरा और फुलाया हुआ पीला पीला सरसों का फूल जरूर आप लोग का अच्छा लगेगा। चलिए अभी चलते हैं अपने खेत में, चलिए ना गांधी जी। अच्छा देख सकते अभी आगे अपने खेतों में, देखिए कितना सुंदर हुआ है, सही हुआ है नगांती जी? आई था ना कोना कोना नहीं हुआ है, बाकी से पटौनी कर दिए थे तो इसमें पता ना अजीब तरह का कौन सी घास जम रहा है। इधर देखिए बताइएगा आप लोग कमेंट में ये क्या है। हम लोग सोच रहे थे बथुआ है तो उखाड़ के ले जाएंगे साग बनाएंगे आज, लेकिन सरसों हुआ है
थोड़ा थोड़ा देखते हैं सरसों उखाड़ के लेके चलेंगे। तो अभी खेत देख के ना मन पसंद हुआ है न जी, ऐसी हो हरा भरा। और पटाना तो नहीं पड़ेगा अभी, ऐसे मौसम नहीं पड़ेगा ना, ऐसी मौसम अभी होगा। जनवरी 26 जनवरी के बाद होता है ना। चलिए अभी चलते हैं अपने घर पे और उसके बाद फिर चलेंगे मार्केट में। अभी ना घर का काम हम करके उसके बाद जाएंगे मार्केट हम और ना गांधी जी। कल कमेंट में आ रहा था भैया थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करिए, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना देते हैं हम लोग, थोड़ा आपका व्यूज भी नहीं उठ पाता है। तो चलिए आज की वीडियो छोटा ही बनाऊँगा। और कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा। यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक सोलो बत्तीस, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं।